नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। क्या वाकई अल्पसंख्यकों के लिए मोदी को हटाना ही देश बचाना है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का एक बयान सामने आया है। लेकिन प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने का सवाल था। डोटासरा इस पर बोले, उनकी अल्पसंख्यक नेताओं से बात हुई है। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा है कि मोदी हटाना देश बचाना जरूरी है। डोटासरा बोले, अल्पसंख्यक नेता चाहते हैं कि देश हित में मोदी हटे, दिल्ली से तानाशाह सरकार हटे, इसके लिए आगे आए अल्पसंख्यक नेता। कहा उनका चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। डोटासरा से बोले नेता, अल्पसंख्यक चुनाव लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। डोटासरा बोले, उनके त्याग और समर्पण के जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। एक भी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं देने का भी सवाल उठा। इस पर डोटासरा बोले, ब्राह्मण नेता लड़ते रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर और आगे भी लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर। अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने वाली स्ट्रेटजी पर सवाल उठा। इस पर उन्होंने कहा कि भाई, अल्पसंख्यक नेता चाहते हैं कि मोदी हटे ताकि देश बचे। सवाल यही उठ खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में अल्पसंख्यकों के लिए मोदी को हटाना ही देश बचाना है? और इस पॉलिटिक्स को आखिर क्या नाम दें? अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी या मकसद कुछ और? ये बड़ा बयान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का, प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने का सवाल था। बीजेपी ने किसी भी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं दिया। डोटासरा इस पर बोले कि उनकी अल्पसंख्यक नेताओं से बात हुई है। सवाल यही है कि क्या मोदी को हटाना ही देश बचाना है? पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का यह बयान है। प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने का ही सवाल था। इस पर डोटासरा बोले कि उनके अल्पसंख्यक नेताओं से बात हुई है। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि मोदी हटाना देश बचाना जरूरी है। डोटासरा बोले, अल्पसंख्यक नेता चाहते हैं कि देश हित में मोदी हटे, दिल्ली से तानाशाह सरकार हटे, इसके लिए आगे अल्पसंख्यक नेता। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, मतलब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इस पर सवाल उठा। उन्होंने कहा कि भाई, अल्पसंख्यक नेता ये नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े, वो ये चाहते कि मोदी हटे देश बचे। कुछ इस अंदाज में ट्विस्ट किया है इस लाइन को डोटासरा ने। ब्राह्मण नेताओं को टिकट देने की बात उठी, उस पर डोटासरा ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि कभी लड़े नहीं, हमेशा लड़ते आए हैं ब्राह्मण चेहरे और आगे भी लड़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का यह बयान, प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने का सवाल उठा। विष्णु हमारे सहयोगी जयपुर से सीधा कनेक्ट हो रहे, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान, प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं देने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, अल्पसंख्यक नेताओं से बात हुई है, वो ये चाहते हैं कि मोदी हटे ताकि देश बचे। क्या मैसेज देने की कोशिश इस बयान के माध्यम से, और किस प्रकार से इस सवाल पर जवाब जो दिया डोटासरा ने, क्या मायने इसके निकाले जाए, जरा ये भी बताइए विष्णु। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी आरोप लगाती आ रही थी कि तुष्टिकरण कांग्रेस करती है, हालांकि बीजेपी की ओर से भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया और लगातार तमाम आरोप लगे, विधानसभा में एक भी टिकट कांग्रेस की बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ लोकसभा में एक टिकट कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया, तो इसमें नाराजगी की बातें सामने आई। तब डोटासरा को ये कहना पड़ा कि जो टिकट है उसमें मुस्लिम नेताओं से बात होगी और वो मोदी को हटाने के लिए लग रहे, यानी कांग्रेस की अगर बात की जाए एक सामान्य आम आदमी की दृष्टि से, तो ये बौखलाहट साफ नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तीसरी बार जब नारा दे रखा है तो उनसे पहले उनको हटाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर ये सामने आ रहा है कांग्रेस का जो है प्रदेश अध्यक्ष का, क्योंकि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मोदी को हटाने के लिए जो मुस्लिम है वो तैयार है, लेकिन ये जो पूरी बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि जो कांग्रेस है वो क्या सोचती है इस बात का, लेकर जनता में क्या प्रभाव रहने वाला है, ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। मेरे जो सहयोगी हैं शशि मोहन, वो मेरे साथ हैं, एक बार उनसे भी इस बारे में बात करते हैं कि शशि,
आप बताएं कि गोविंद डोटासरा का बयान है कि मुस्लिमों को जो टिकट नहीं दिया गया उस पर उन्होंने कहा कि मोदी को हटाने के लिए मुस्लिमों से बात हो गई है, वो मोदी को हटाने के लिए वोट करेंगे। देखिए, एक अवधारणा ऐसी बन गई है कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं है या नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। हालांकि जफर सरोश वाला, जफर इस्लाम, ये कुछ ऐसे बैंकर और इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो समय समय पर बीजेपी के पक्ष में बयान देते रहे हैं, लेकिन अभी जो राजस्थान कांग्रेस की स्थिति दिख रही है, एक भी माइनॉरिटी चेहरे को टिकट नहीं दिया गया है। माइनॉरिटी से मतलब है मुस्लिम चेहरे को, हालांकि जैन और सिख समाज के लोग भी माइनॉरिटी में हैं। तो इस पर जब पीसीसी चीफ से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि उनकी माइनॉरिटी के नेताओं से बातचीत हुई है और उनका पहला लक्ष्य है पीएम नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बाहर करना। उनका ये भी कहना है कि वो अल्पसंख्यक नेता जो हैं वो मोदी को तानाशाह मानते हैं और उनका ये कहना है कि तानाशाह को दिल्ली की सरकार से हटाया जाना चाहिए। हालांकि हो सकता है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैं और ये सारी चीज़ें हैं इनको लेकर के ऐसी अवधारणा बनी हो, लेकिन समय समय पर बीजेपी और केंद्र सरकार अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अल्पसंख्यक चेहरे के लिए सीट कौन सी होती थी? आमतौर पर टोंक सवाई माधोपुर होती थी, जहाँ से हरीश मीणा को टिकट दिया गया है, वो भी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग देखते हुए तय कर चुकी है। और एक सीट होती थी चूरू, जहाँ से आमतौर पर रफीक मंडेलिया या मकबूल मंडेलिया चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन वो सीट भी अब की बार राहुल कस्वा को बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उनको कांग्रेस में लेकर के आए और जीतने की संभावनाओं को देखते हुए दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यकों के लिए वाकई मोदी बड़ा खतरा है? क्या मोदी को हटाना ही देश बचाना है? क्या देश खतरे में है मोदी से? ये सवाल अल्पसंख्यक नेताओं की तरफ से उठ रहे हैं। और जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, तो क्या अल्पसंख्यक नेताओं की भावना इस तरीके से उनके सामने आई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ब्राह्मण चेहरे को लेकर के भी सवाल हुआ था कि ब्राह्मण समाज से किसी को टिकट नहीं दिया गया, इस पर डोटासरा ने कहा कि ब्राह्मण नेता भी पहले भी चुनाव, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश अब डोटासरा साहब कर रहे हैं जब चुनाव बेहद नजदीक आ गया, दूसरे दौर का नॉमिनेशन शुरू हो गया? तो अगर ये कोशिश है डैमेज कंट्रोल की तो किस हद तक कामयाब होती नजर आ रही है? क्यों ना कहा जाए ये कॉपी करने की कोशिश है बीजेपी की, क्यों ना कहा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी यहाँ पर। बिल्कुल आशीष, अगर वर्तमान जो सिनेरियो है उसमें देखा जाए तो ये डैमेज कंट्रोल ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि दो सीटें हैं टोंक और चूरू, जहां से लगातार मुस्लिमों को पहले टिकट देते आई है कांग्रेस, और गाये बगाए इसी बात को लेकर दोनों जगह यहां पर सीटें तुरंत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। तो ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है कि मुस्लिम जो है वो छिटक नहीं जाए पार्टी के वोट बैंक, कांग्रेस मानते आई है उन्हें, और लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती आई है, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी लगातार आरोप लगाता आया है कि जो मुस्लिम है समुदाय उसको कांग्रेस वोट बैंक मानते आई है और वोट बैंक के तरह ही इस्तेमाल करती आई है। ऐसे में जी जहां मुस्लिमों में नाराजगी नहीं फैले, क्योंकि दो ही सीटें थी और दोनों सीटों पर यहाँ हरीश मीणा और राहुल कस्वा को दे दिया टिकट, तो ऐसे में नाराजगी नहीं बढ़े, इस नाराजगी को कम करने के लिए ही ये डैमेज कंट्रोल भी माना जा सकता है। और यही कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा को ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगाती आ रही है, अब चुनाव क्योंकि आने वाला है, बीजेपी इस मुद्दे को हवा भी दे सकती है, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लगातार उसको टास्क दिया गया है, यहाँ लगातार स्नेह संवाद कार्यक्रम लगातार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों के बीच में पहुँचे, रही बात दूसरी, अगर दूसरे स्टेट हैं वहाँ पर देखा जाए तो यूपी जैसे स्टेट, वहाँ इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम है वो पीएम मोदी के साथ है, उसके कार्यों से खुश है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनमें जो लाभ मिल रहा है वो जो तमाम लाभार्थी है उसमें मुस्लिम समुदाय भी है, बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय है, तो ये बात भी आगे जड़ रही है। तो ऐसे में वोट बैंक कांग्रेस का नहीं छिटके, इस बात को लेकर भी ये डैमेज कंट्रोल माना जा सकता है। बीजेपी कुछ इस हिसाब से टारगेट भी कर रही है, एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है अन्नामलाई का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु में बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अमर अकबर एंथनी बन जाते हैं स्टेट के हिसाब से, जहां जैसे वोट उस हिसाब से वो लोग उस भूमिका में आ जाते हैं। इस प्रकार के कटाक्ष भी हो रहे हैं। आप लोग बने रहिए, बातचीत हम लोग करते रहेंगे, तमाम बड़ी चीज़ें।